So for the next 10 days, I'm actually moving to Silicon Valley as a human being first and then as a Silicon Valley engineer. And I'm going to take you along with me. 2 saal pehle maine graduate hone ke time ek sapna dekha tha. Waise to ye sapna aadha last year pura ho gaya tha to actually be in Silicon Valley and to see the life there. But aaj Silicon Valley mein not to visit but to work there, excitement alag hi was. Waise to main us destination pe pehle gaya hua hu but aaj to actually live there and actually feel that city by working in the same city, none other than Sunnyvale, Silicon Valley, excitement hi kuch aur hai yaar. And isi excitement mein main apna favorite burrito leta hu. Itna bada burrito ki bechare foil paper bhi nahi chadha paaye. Aur angle set karte karte hi भूखे पेट ही सही मैं फ्लाइट की वाइब्स देता हूँ बिकॉज एवरी टाइम आई फ्लाई फ्रॉम एटलांटा टू सैन फ्रांसिस्को इट फील्स लाइक गोइंग फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद बिकॉज फ्लाइट इज ऑलवेज फुल ऑफ टेक इंजीनियर्स. एंड अब इस फ्लाइट में जो कि है चीपेस्ट फ्लाइट दैट आई गॉट फ्रंटियर एयरलाइंस जो कि काफ़ी अफोर्डेबल होती है, मैं अपना हैकाथॉन प्रोजेक्ट फॉर आर कोर्स जज कर ही रहा होता हूँ एंड मुझे प्यासी लग रही होती है, मैं इनसे पानी मांगने जाता हूँ एंड दे से कि अगर पानी की बॉटल चाहिए देन यू हैव टू पे $3.50. मैंने कहा बॉटल भर रहा हूँ, आप पानी मेरी बॉटल में डाल दो. कहते कि एक कप से ज़्यादा नहीं देंगे वरना आपको पे करना पड़ेगा. ऐसा मैंने किसी एयरलाइंस पर फेस नहीं किया है. एंड ये ट्रिप बिल्कुल भी मेरी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था. इस कार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने हॉस्टल की तरफ जाऊंगा. मैं गलती से एयर ट्रेन की साइड पे आ गया, ये सिर्फ रेंटल कार की तरफ जाती है तो मुझे वापस जाना पड़ेगा टुवर्ड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हिच इज कॉल्ड BART. मेरी अभी के अभी ट्रेन मिस हो गई. अगर मैं ये ट्रेन रॉन्ग ट्रेन के रास्ते ना गया होता तो ये ट्रेन ले पाता. और ये ट्रेन सिर्फ 30 मिनट्स में एक बार जाती है, इनसेन. दिस एयरपोर्ट इज 13 माइल्स फार फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, तो सैन फ्रांसिस्को सिटी में जाने के लिए 15 माइल तक ट्रेन लेनी पड़ेगी मुझे और वो 20 मिनट बाद आएगी. 11 मिनट्स मोर तो येलो लाइन. सो अभी रात के 2 बज रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई टाइम जोन एंड सैन फ्रांसिस्को के रात के 11 बजे. और जब भी सोलो ट्रिप होती है ना, दिस इज़ वन ऑफ माई लॉन्गेस्ट सोलो ट्रिप आफ्टर वाइल, तो कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ. अगर केटी के साथ होता तो याद रहता कि जैकेट लेके आनी है क्योंकि मुझे एक्चुअल में अब ठंड लग रही है यहाँ पर, क्योंकि एटलांटा की तरह गर्मी यहाँ पर नहीं होती. सबने जैकेट पहनी हुई है. राइट साइड से जा रही है, मुझे रोड क्रॉस करनी पड़ेगी. अगर ये बस मिस हो गई फिर 10 मिनट लग गई बस, मुझे रोड नहीं क्रॉस करनी चाहिए थी. एंड ये रात के 11:30 जाने वाली आखिरी बस थी. एंड अब सिटी की फील लेने के लिए एंड टू गो टुवर्ड्स माय हॉस्टल आई चोज टू वॉक फॉर 30 मिनट्स. मुझे नहीं पता था मेरा हॉस्टल नाइट लाइफ के बीचों बीच है. सो कॉन्डोर का इन्होंने आर इरेज किया हुआ है. ये रहा मेरा हॉस्टल जहां में मैं 8 लोगों के साथ रहने वाला हूँ. सो रूम लॉक करने के बाद मुझे मेरे रूममेट्स इनवाइट करते हैं फॉर अ पार्टी. बट विद इन 5 मिनट्स आई गो बैक बिकॉज ऑफ माई कोर्स वर्क और मैं पार्टी के मजे सिर्फ अपनी खिड़की से ही ले पाता हूँ. I'm so lucky कि मेरा bunk bed ऊपर है. पहली बात तो कंफर्टेबल ज्यादा होता है और नीचे चढ़ चढ़ के कोई परेशान नहीं करता अगर आप नीचे हो.
रात को नींद भी अच्छी आती है ऊपर वाले बेड पे, क्योंकि नीचे से आवाज नहीं आती। बस मुझे डर एक ही बात का था कि ऐसे करते करते मैं वो बेड से गिर ना जाऊं। ये मुझे अपने 6th to 10th क्लास की याद दिलाता है, बिकॉज तब मैं जब कैंपिंग पे जाता था अपने स्कूल की तरफ से, उसे कहते थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप, वो होता था पहाड़ियों में, जैसे नूरपुर है हमारे पठानकोट के आसपास, आप शिमला समझ लो, वहाँ पर कैंपिंग होती थी, वहाँ पर भी ऐसे बेड मिलते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। हम तकरीबन 30 बेड्स होते थे, यहाँ पे तो चलो 5 से 8 शेड हॉस्टल है। और जब मैं कॉलेज में ट्रैवल करता था तब भी हॉस्टल में करता था, और फाइनली हॉस्टल में रहने का मज़ा ही कुछ आ रहा है। यहाँ मेरे दो दोस्त बने, शायद मौका मिला यहाँ पे घूमने का उनके साथ। एंड यहाँ पर वाटर, टैप वाटर इज सेफ एज एवरीवेयर इन द US, प्रीटी मच एवरीवेयर इन द US, सो हर रूम हैज़ अ टैप। Can I have mixed cheese? Sure. Thank you. Everything is so healthy. This is iron skillet, so it's very healthy. Hota hai. क्या कंप्लीट ब्रेकफास्ट है, एंड साथ में बेगल्स। वाओ, अब सिलिकॉन वैली जाने से पहले इन सैन फ्रांसिस्को आई हैड 2 ऑप्शंस। नंबर 1 टू सी द गोल्डन गेट ब्रिज, जो कि गोल्डन भी नहीं है, and number 2 to see the culture of Bay Area and the city by checking out the Folsom Festival. Can you guess what I chose? We missed the bus. We're going to, you know, get in the bus. Yeah. So we are here at the bus station before going to the festival and meet my friend from the hostel. Hi, hi. Luis, can you please introduce yourself? Hi, this is Luis, I'm from Mexico. And also a software engineer like me, and yes, in the tech city. So how do you feel being a software engineer from Mexico? Like, how's the life there? Mexico's it's a big country, it's a beautiful country, and life, well, it can be tough sometimes, but it's a beautiful country, so if you ever have the opportunity to go there, it's beautiful. Yes. This is the tram train. One of the best thing I learned from you is about that programming, even in programming world, communication is the key. So how did you get a job as a programmer? Well, the only thing that I didn't know anything about engineering. So a friend told me, there's this company that they need engineers, but if you're not an engineer, but you speak English, so just go there. And I had all the interviews and I got in. And now, after almost 10 years of that, now I'm a software engineer. So you learn coding on the spot? Yes. Nice. That is pretty cool. Yes. Yeah, it's very inspiring. E-card. अब फेस्टिवल में जाने से पहले एंड उससे पहले आपके पेरेंट्स कहे कि बच्चे बिगाड़ रहा है, आई विल से कि ये फेस्टिवल इज अबाउट सेक्सुअल फ्रीडम, कि हम अपनी सेक्सुअलिटी ओपनली रिवील कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बाउंड्रीज। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ वॉक करते करते पहुंच चुका हूँ फॉल्सम स्ट्रीट फेस्टिवल। ये बहुत यूनिक फेस्टिवल है टू सेलिब्रेट सेक्सुअल फ्रीडम, एंड मैं बहुत साइड पर ध्यान से व्लॉग कर रहा हूँ ताकि किसी को मैं एक्सपोज ना कर दूँ, बिकॉज यहाँ पे न्यूडिटी अलाउड है, बिकॉज इट अलाउज यू टू बी सेक्सुअली ओपन। सो पीपल आर गेटिंग मंकी पॉक्स वैक्सीन हियर, और वैक्सीन के बाद दे गेट अ रिंग। दिस सिटी इज सो कल्चरल, अगर मैं अपने हॉस्टल फ्रेंड्स को ना मिला होता तो मुझे इस बड़े फेस्टिवल के बारे में पता ही नहीं चलता। हाय, आई एम साइलर। साइलर? साइलर, लाइक टाइलर विद एन। टाइलर विद एन। ओह, नाइस टू मीट यू। आई एक्चुअली डोंट नो मच अबाउट द फरीज, लाइक व्हाट डज इट मीन?
is different than furry. Yes. Like, this is puppy play. This is like, I'm a puppy. Yeah. Furries are the ones with, have you seen like the big furry heads? Oh, the big fur suit. That's a fur suit. That's a puppy. That's a furry. This is a puppy. They're different. Oh, what's the significance? How, where did this come from originally? So puppies are like part of a leather substitute. Yeah, they're very new compared to everything else. Leather. I enjoyed the Folsom Festival. And then I'm gonna meet my friend from Georgia Tech. Finally, Arinder ke saath, I've made it to UC Berkeley. मैं कई बार UC Berkeley मैंने hackathons के लिए apply किया था, but it was so expensive. उनकी funding खत्म हो गई थी मेरी flights के लिए जब मैं accept हुआ था. But Arinder has come here for hackathon before, right? Yeah, I've come here for Cal Hacks 2019 before COVID was a thing, and they like flew me out, so good stuff. Yeah, $300 के लिए उस हर एक को चाहे आप इंडिया से भी कर रहे हो, they usually sponsor except COVID. Well, I don't know about India, but like in the US they do, yeah. Yeah. Awesome. Stuff. Yeah, and now he's working where? I'm working as a sweet intern at Meta, previously known as Facebook. Yeah, I really like it. I mean, good stuff. Yeah, अभी हम podcast करने वाले हैं soon. You can check it out. It'll be in the description below about his journey to Meta as an intern.